हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि गांव में लिट्टी चोखा कैसे बनता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। ये देखिए, गांव में इस तरीके से चूल्हे पे रख के बट्टी चोखा बनता है। और जो इस आग पे बनता है बट्टी चोखा, वो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, गैस वाले से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए आप लोग, यहाँ पे पलट पलट कर आग पर बट्टी चोखा बन रहा है। ये देखते ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। हम लोग आराम से बैठे थे, देख रहे थे कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो हम लोग देखे कि बट्टी चोखा बन रहा है, तो हम लोग देखने लगे कि कैसे बनता है बट्टी चोखा आग पे। तो मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग बना लेती हूँ और आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि गाँव में आग के ऊपर बट्टी चोखा कैसे बनता है और खाने में कैसा लगता है। देखिए, आटे में सत्तू डाल के धीरे धीरे बट्टी को ऐसे बना के को आग में डाल के ऐसे ऐसे करके बन जाता है बट्टी चोखा। और चोखा अंदर बन रहा है, बाहर नहीं बन रहा है, चोखा बन रहा है आलू से। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा बट्टी के साथ खाने में। और उसके साथ साथ दाल भी बन रहा है। वो दाल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सब लोग दाल भी खाएगा इसलिए दाल भी बन रहा है। इतनी सारी बट्टी बन चुकी है, लेकिन अभी बट्टी नहीं मिलेंगी जब तक पूरी बट्टी नहीं बन जाती जितनी बनानी है। कैसे रहा है? देखो, बाटी चोखा बन रहा है। वीडियो है कि यहाँ पे बहुत तेज आग जल चुकी है और बट्टी चोखा बनने ही वाला है। आग में डल चुका है सारा बट्टी और बस बनने ही वाला है, क्योंकि आग एकदम तेज कर दी गई है। हम लोग को तो अभी से ही खाने का मन करने लगा है बट्टी चोखा देखते ही, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, गाँव वाला तो और ज़्यादा। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि बट्टी चोखा बनता कैसे है। सबसे पहले बट्टी के लिए आटा सान के रख लेंगे और आटे में थोड़ा सा नमक डाल के भी रख लेंगे। और उसके बाद सट्टू में प्याज, लहसुन, धनिया, अदरक डालेंगे और हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। और फिर अजवाइन, नमक, सरसों का तेल डालने के बाद उसमें मिर्ची का अचार भी मैश कर देंगे, थोड़ा सा आम का अचार खट्टा करने के लिए। और ये सब करने के बाद सत्तू का मसाला तैयार हो गया। उसके बाद आटा लेंगे, आटा की लोई बना के उसमें जो हमने सत्तू का मसाला तैयार किया है वो सत्तू का मसाला आटा के अंदर डाल देंगे। इस तरह से मोमोज भरा जाता है उसी तरीके से, सिंपल तरीके से भर देंगे। उसके बाद ऐसे ही जैसे गांव में आग जलती है वैसे ही आग जला के उस पर सेक लेंगे, इसको अच्छे से सेक लेंगे। बस फिर बन गया हमारा बट्टी और चोखा तो बन ही जाता है। चलिए मैं आपको चोखा बनाने बता देती हूँ। सबसे पहले आग में आलू, बैंगन और टमाटर रख के भून लेंगे, आलू बैंगन और टमाटर को। फिर आलू बैंगन और टमाटर का जो छिलका होगा उसको निकाल के मैश कर देंगे। उसके बाद चोखा में प्याज, लहसुन, धनिया, अदरक, हरी मिर्च और 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के मैश कर देंगे चोखे को। बस चोखा तैयार और बट्टी भी तैयार। अब इंतज़ार क्या कर रहा है, बना के तुरंत खा लीजिए, तुरंत बन जाएगा। और इनके साथ दाल अलग तरीके से बनता है। चलिए मैं आप लोग को अब दाल बनाना भी बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग अरहर का सिंपल दाल बनाइए जैसे बनाते हैं आप लोग। फिर उसके बाद उसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का तड़का लगाइए। और उसके बाद ज़्यादा देसी घी में जीरा का तड़का लगा के दाल तैयार करिए। बस हो गया, बाटी भी तैयार हो गया, चोखा भी तैयार हो गया और अब दाल भी तैयार हो गया। अब तो आप खा ही लीजिए बना के, अब इतना मन आपका भी कर रहा हो खाने का, जल्दी जाइए और बनाइए। लेकिन अगर आपको मन कर रहा है चावल खाने का तो थोड़ा सा चावल भी बना लीजिए, वो भी अच्छा लगेगा दाल के साथ। तो चलिए जल्दी जल्दी जाइए और बाटी खाइए, चोखा खाइए, दाल खाइए जो मैंने बताया वैसे ही बना के, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाटी, चोखा और दाल खाने से पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो आपको बाटी, चोखा और दाल बनाना बताया है वो आप लोग बनाया है तो आप लोग को खाने में कैसा लग रहा है, गाँव के तरीके से मैंने बताया है। लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हैं, अभी शहर में हैं मेरी तरह, और वहाँ आपके पास आग का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग तल के भी खा सकते हैं इसको इस पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।